चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फॉल्स, इसमें से गलत कौन सा यार? मतलब ओनली फॉल्स, मतलब तीन सही हैं। तो इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, ये बात तो बिल्कुल सही है यार कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है किस में? कंडक्टर के केस में प्यारे बच्चों, तो कंडक्टर के केस में ओवरलैपिंग आ जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। अब कहता है सब्सटेंस विथ एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटेड। ऑब्वियसली 10 मतलब 10 या 5 या 6, मतलब जो इंसुलेटर होते हैं उनकी एनर्जी गैप बैलेंस और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है भाई। जो सेमी कंडक्टर होती हैं उन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनकी रेजिस्टिविटी घटती है, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। तो जब सेमी कंडक्टर होता है, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन आई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, चार्ज कैरियर इंक्रीज होते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है। तो ये सेमीकंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन पेल हो, बहुत इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं प्यारे बच्चों, तो उस हिसाब से यहाँ से मैं इसको, ये स्टेटमेंट सही है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है यार, कंडक्टिविटी बढ़ती है अभी पढ़ाए, तो ये गलत है, मतलब सी ऑप्शन सही है।